नमस्कार दोस्तों। ट्रेन से सफ़र तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी ट्रेन छूट भी जाती है। क्यों छूट जाती है? क्योंकि उसका जो सही टाइम है हमको पता नहीं चलता है। एक्चुअल में होता क्या है कि टाइम का पता तो चलता है, लेकिन जो AM और PM होता है हम उसको सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं, जिस वजह से हमारी ट्रेन छूट जाती है। पता चला है कि हमारी जो ट्रेन है रात के 12:30 बजे है और हम यहाँ पर दोपहर के 12:30 बजे स्टेशन पहुँचते हैं, और जब उनसे पूछते हैं कि हमारी ट्रेन क्यों नहीं आई तो वो लोग बोलते हैं कि ये जो ट्रेन है रात के 12:30 बजे तो निकल चुकी है। तो आपको किस प्रकार से टाइमिंग का ध्यान रखना है मैं आज आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, रेलवे का जो टाइम है वो 24 घंटे का होता है, और नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए दोपहर के 1 बजे हैं और हमसे कोई पूछता है कि कितने बजा है, तो हम बोलते हैं कि 1 बज गया। हम यहाँ पर AM या फिर PM नहीं बोलेंगे, जस्ट बोलेंगे कि 1 बजे, क्योंकि 1 बजे हमारा दोपहर से काउंट हम करते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर आप रेलवे से पूछोगे कि आपका 1 कितने बजे बजता है, तो वो बोलेगा कि रात का जब 1 बजता है ना तभी हम उसको 1 बोलेंगे, और जो दोपहर का 1 बजता है ना हम उसको 13 बोलेंगे। मतलब दोपहर का 1 बजे को रेलवे उसको 13 बजे काउंट में करता है। एक और बात है कि जैसे ही रात के 12 बजेंगे तो 12 बजने के बाद दूसरी डेट लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आज है 1 तारीख, और जैसे ही रात के 12 बजेंगे तो वहाँ पर 2 तारीख लग जाएगी। इस बात को भी आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए अब मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आप IRCTC की ऑफिशियली वेबसाइट या फिर रेल कनेक्ट एप्लीकेशन में अपनी ट्रेन को सर्च करते हो, और फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी ट्रेन रात के 12:30 बजे के आसपास है, तो वहाँ पर टाइम शो होगा 00:30। अगर आपकी ट्रेन दोपहर के 12:30 बजे है तो वहाँ पर टाइम बताएगा 12:30। वहीं अगर आप अदर कोई एप्लीकेशन या फिर अदर कोई साइट में सर्च करोगे जहाँ पर ये जो साइट हैं 12 घंटे का टाइम काउंट करता है, 24 की बजाय 12 घंटे का ही टाइम बताता है, तो वहाँ पर क्या बताएगा कि रात को जो 12:30 बजे है वहाँ पर भी 12:30 बजे बताएगा, और जो दोपहर के 12:30 बजे हैं वहाँ पर भी 12:30 बजे ही बताएगा। जिस वजह से आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि आपकी जो ट्रेन है रात को थी या फिर दिन को थी। लेकिन आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको यहाँ पर जो रात के 12:30 बजे बजते हैं वहाँ पर AM होगा, और जो दोपहर के बजते हैं वहाँ पर PM होगा। आपको इस बात को ध्यान में रख लेना है। और ये जो AM है वो रात के 12 बजे से स्टार्ट होगा और दोपहर के 11:59 तक रहेगा, और जैसे दोपहर के 12 बजेंगे या फिर 12 बजे के बाद से फिर उसके बाद से PM स्टार्ट हो जाएगा, और ये PM चलेगा रात के 11:59 तक, और जैसे ही 12 बजेंगे या फिर 12 बजे के बाद फिर से AM स्टार्ट हो जाएगा। फाइनली मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी ट्रेन को ऐसी वेबसाइट में सर्च कर रहे हो जहाँ पर 24 घंटे की घड़ी शो हो रही है, तो उसका जो टाइम है रात के 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब रात के 12 बजे पर 00 होगा, और जैसे ही 1 बजेगा तो वहाँ पर 1 बताएगा। उस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, और जैसे ही दोपहर के 12 बजेंगे और 12 बजे के बाद फिर 1 बजेगा तो उसको फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, मतलब रात के जब 12 बजते हैं तो उसको 24 बजे बोलते हैं। इसके बाद से 24 घंटे के बाद फिर 1 से फिर से काउंट होने लगता है। तो दोस्तों, मेरे से भी एक छोटी सी मिस्टेक हो चुकी थी, मैं आपको किस्से के तौर पर फटाफट से सुना देता हूँ। तो 1 तारीख थी और रात को मैंने ट्रेन को सर्च किया कि 2 तारीख को कोई ट्रेन है या फिर नहीं है, तो वहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें शो हो रही थी, और मेरी जो ट्रेन थी जहाँ पर मुझे जाना था वो रात के 12:30 बजे के आसपास थी। इसके बाद से हुआ क्या कि मैं आराम से दोपहर को नहाया धोया और 12 बजे अपने स्टेशन चला गया, और इसके बाद से थोड़ी देर वेट किया, और जैसे ही 12:30 बजते हैं दोपहर के तो मेरी जो ट्रेन है नहीं आती है, और इसके बाद से मैं जो विंडो होती है वहाँ पर पूछता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि ये जो ट्रेन है वो तो रात के 12:30 बजे यहाँ से छूट चुकी है और ये अब नहीं आएगी। तो ये सुन के मुझे बहुत बड़ा शौक लगा। तो मेरी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वहाँ पर भी 12:30 बजे था, लेकिन दोपहर के 12:30 बजे मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर AM और PM नहीं समझ पाता हूँ। मेरी जो ट्रेन थी वो AM में थी और मैं यहाँ पर PM में चला जाता हूँ। तो इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है। अगर 12 घंटे की
टाइम शो होती है, तो आपको एएम और पीएम खास करके ध्यान में रख लेना है। और तब से लेके आज तक ये जो ट्रेनों का टाइम टेबल है ना, ये तो मेरे दिमाग में छप गया है, मतलब बैठ गया है। अब कोई भी ट्रेन कितने भी बजे हो उसका मैं टाइम बता देता हूँ, चाहे वो ट्रेन 16 बजे हो, 18 बजे हो, 23 बजे हो या पर 24 बजे हो, मैं आराम से टाइम में पहुँच जाता हूँ। और उस दिन के बाद से आज तक मुझसे कोई भी गलती नहीं हुई है, खास करके टाइमिंग से रिलेटेड।